क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के मद्देनजर जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी तथा एलओसी पर 5 किलोमीटर के दायरे में पटाखे की बिक्री तथा उपयोग पर रोक लगा दी गई है। ये ऑर्डर तत्काल प्रभाव से लागू है। एडीसी जम्मू की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शादी के सीजन में आतिशबाजी की जा रही है। आईबी के पास आतिशबाजी से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके मद्देनजर धारा 144 के तहत पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई है। श्रीनगर में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार मुस्लिम समुदाय के नेता एक मंच पर आए और जम्मू कश्मीर की छवि बदलने और विकास के नए रास्ते खोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। सुन्नी, शिया, सूफी, दाऊदी, बोहरा, पसमांदा, गुज्जर, बकरवाल, मुसलमानों सहित विभिन्न मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं ने कहा कि 3 दशक में आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्रों में शांति और स्थिरता प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत कायम हो पाई है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ऐसे तत्व हैं जो हमें विभाजित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें शांति और मानवता के लिए दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने दूसरे ईमेल भेजकर उनसे 200 करोड़ की मांग की है। इससे एक दिन पहले भेजे गए ईमेल में 20 करोड़ रुपए मांगे गए थे। पुलिस के मुताबिक ये ईमेल किसी शाताब खान की तरफ से भेजा गया है। मुंबई पुलिस ईमेल के सोर्स का पता लगा रही है। केरल के एर्नाकुलम के कालिम सेरी में सुबह एक कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा के दौरान 3 ब्लास्ट हुए। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की व राज्य के हालात पर चर्चा की गई। जम्मू संभाग के दूरदराज के क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जिसे अभी तक खोजा नहीं जा सका। रिलियार और पीर पंचाल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी प्राकृतिक के मैदानों के साथ महू और मंगत की शांत घाटी स्थित है। 400 घर वाले महू गांव दशकों से ऑफबीट पर्यटन के लिए रास्ते खोलने की आकांक्षा रखता है। महू और मंगत घाटी को एक ऑफबीट पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने रामबन जिला के साथ सक्रिय सहयोग से 28 और 29 अक्टूबर को बनिहाल के गांव मोहू में एक सांस्कृतिक उत्सव और ग्राम कार्निवल का आयोजन किया। डोडा पुलिस द्वारा टाउन हॉल डोडा में शहीदों की याद में और राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत की। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई स्कूलों के प्रमुख, स्टाफ मेंबर्स व छात्रों ने भी शिरकत की। इस दौरान एसएसपी डोडा ने कहा कि जिले के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य शहीदों को याद करना और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि और सम्मान देना है, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज प्राण देकर निछावर कर दिया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कबीरधाम छत्तीसगढ़ में अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, देश में केवल 2 प्रकार की सरकारें हैं, एक जो केवल देश के अमीरों के लिए काम करती है और दूसरी जो देश के किसानों, मजदूरों और युवाओं के लिए काम करती है। ये अब आपको तय करना है कि आप कौन सी सरकार चुनना चाहते हैं। भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं सनातन धर्म का पालन करता हूं और मैं एक अच्छा हिंदू हूं। हालांकि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करना मना है। वहीं उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए दिए तो वहीं मैंने 1,11,000 रुपए दिए। मैंने वो चेक ट्रस्ट में जमा करने के लिए प्रधानमंत्री को भेजा, उन्होंने चेक वापस कर कहा खुद जमा करो, मैंने वो चेक जमा करा दिया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई
विजयन की मौजूदगी में गाजा पर इस नरसंहार आक्रामकता को रोकने के संदेश के साथ इसराइल हमास युद्ध पर विरोध प्रदर्शन में पार्टी नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि इसराइल द्वारा गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ की जा रही बर्बरता को तुरंत बंद करने की उन्होंने मांग रखी। अब तक 8,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, बच्चों को निशाना बनाकर मारा जा रहा है, ये अमानवीय बर्बरता है, इसे यूएन को रोकना होगा। बांग्लादेश पुलिस ने आज मुख्य ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के वरिष्ठ नेता को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये गिरफ्तारी बीएनपी रैली में भड़की हिंसा के बाद हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। बता दें कि बांग्लादेश में अगले साल जनवरी में आम चुनाव होने हैं। आम चुनाव से पहले रैली में हुई हिंसा से देश में तनाव का माहौल है। श्रीनगर में दहशतगर्दों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।